फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योति ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने। फ्रेंड्स, आज तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अपने फेस को ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से घर में बैठे बैठे आप मैनिक्योर कर सकती हैं। जी हाँ, किस तरीके से घर में बैठ के आप अपने हाथों को खूबसूरत बना सकती हैं। आज के टाइम पे हम सिर्फ अपने फेस की केयर करते हैं, अपने हाथों को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी हमारा फेस है उतना ही ज़रूरी हमारे हैंड्स भी है, क्योंकि हमारे हैंड्स ही हमारे बॉडी लैंग्वेज को और ज़्यादा निखारते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने हैंड्स को खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अभी की अभी मेरे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये स्क्रबर और मास्क बनेगा और किस तरीके से इसे अपने हैंड पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको मिले ग्लोइंग और फेयरनेस हैंड। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए लेमन, नमक और कोकोनट ऑयल। सबसे पहले आपको नमक अपने हाथ पे डालना है इस तरह से, आपको कोकोनट ऑयल लेना है विद हेल्प ऑफ कोकोनट ऑयल आप इसे स्क्रब करेंगी। इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको अपने हाथों पे स्क्रब करना है। फ्रेंड्स, आफ्टर 15 मिनट्स आपको इसे गर्म पानी में धोना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से स्क्रब हो चुका है। इसका स्क्रब आप जॉइंट पे करें ताकि जॉइंट्स पे जो ब्लैकनेस होती है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वो दूर हो जाएं। फ्रेंड्स, ये हॉट वाटर है, इसमें आपको डालनी है लेमन की कुछ बूंदें और इस पानी से आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लीजिए। फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे घर में जो इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी मदद से आप मैनिक्योर कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने हैंड को ब्यूटीफुल बनाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बटन नीचे है, प्लीज़ इस पर एक बार क्लिक कर दें, इससे जो मेरे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचेंगे, मेरे वीडियो की इंटीमेशंस आप तक पहुंचेंगे, जिससे आप मेरे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकती हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी करें ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए होम रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।